हेलो एवरीवन। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो इसमें हम बना रहे हैं नैपकिन फोल्ड कार्ड। जैसा कि आप एक तरफ देख रहे हैं सिंपल और एक तरफ डेकोरेटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम एक पेपर, कोई भी पेपर ले लेंगे, ए फोर ले सकते हैं क्योंकि हमें उसको फिर एज अ स्क्वायर पेपर में कट करना है। तो उसके लिए मैंने ये पेपर फोल्ड किया और इसको मैं इधर से कट कर लूंगी। आप चाहें तो बिना फोल्ड किए डायरेक्ट स्केल की मेजर से भी कर सकते हैं, जैसे कि 18x18 सेंटीमीटर, 10x10 सेंटीमीटर, 20x20 सेंटीमीटर, कुछ भी साइज का। मुझको ये साइज चाहिए था तो मैंने जस्ट फोल्ड किया और फोल्ड करके ही स्क्वायर पेपर कट कर लिया। अब इसको दूसरी साइड से भी फोल्ड करेंगे। जैसा कि आप देखते भी जा रहे हैं, दूसरी साइड से फोल्ड करने के बाद अब हमको सेम चीज फोल्ड वाली चार बार और करनी है, जैसा कि मैंने दिखाया। इसमें एक बार ये हुआ, दूसरी बार ये हुआ। अगर बीचों बीच आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करेंगे, क्योंकि अब दोबारा करना, तो एक बार पहले बीच से हम फोल्ड कर देंगे तो ये बिल्कुल मिडिल पॉइंट हमें मिल जाएगा। फिर इसको ओपन करके अब ये एक बार और सेम प्रोसेस इधर से भी। ये हो गया हमारा फोल्ड। अब हमारा ये हाफ रेडी हुआ। अब हमको ट्रायंगल के रूप में लाना है और ये बीचों बीच में सारे पॉइंट्स लाने हैं। एंड ये डन। अब आपको पता है मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो आइडिया लग रहा होगा कि हाँ, हम ऐसे इस कार्ड को बनाते हैं। ये नैपकिन फोल्ड कार्ड है और जो हमने ये ऐसे करके स्क्वायर में फोल्ड किया, ये आपको सेम प्रोसेस चार बार करनी है, और मतलब तीन बार और करनी है। एक हो गया, ये सेकेंड टाइम हो रहा है, और ये बीच से फोल्ड करके हमने ये कर दिया। फिर हम इसको घुमाएंगे कार्ड को अपने, और सेम प्रोसेस ये जो दो बार बचे हुए हैं इनमें भी करेंगे। ये देखिए, थैंक यू। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं प्लीज सभी से शेयर भी कीजिएगा। और ये हमने चौथी बार भी सेम प्रोसेस कर दी। अब क्या करेंगे, इनको हाफ ऑफ ट्रायंगल और हाफ ऑफ ट्रायंगल और इनको फोल्ड करेंगे। फर्स्ट एंड डन, सेकेंड एंड डन, थर्ड एंड डन, एंड फोर्थ। और ये कार्ड हमारा रेडी हो गया है। अब हम इस पर डेकोरेशन करेंगे। तो डेकोरेशन के लिए कोई स्पेशल पेपर नहीं लेने, जो आपके पास स्क्रैप पेजेस हों कटे हुए उन्हीं से कर सकते हैं। तो मैंने गोल्डन कटा हुआ पेपर लिया था एक, और ये फ्लोरल वाले। तो गोल्डन से तो मैंने हार्ट के कटआउट निकाल लिए, मेरे पास इसका हार्ट का कटर है। और ये जो फ्लोरल वाले हैं इनसे मैं ट्रायंगल कट करूंगी, जैसे मैंने सेम पैटर्न का दो आमने सामने के लिए, और ये दूसरे वाले पेपर को अब लिया मैंने, तो इससे मैं दूसरी साइड के लिए कट करूंगी। आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कटर नहीं है हर्ट वाला तो ऐसे ही कट आउट कर लीजिए, या ट्रायंगल्स हैं या डेकोरेशन, तो कुछ भी। और मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैंने ये वाले कार्ड हर कार्ड में और एक्सक्लूशन बॉक्स में लगाए हैं, तो आपको डेकोरेशन का आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यहाँ पे ट्रायंगल लगा सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसमें साइड है, हम कहीं भी लगा सकते हैं। और इसको लॉक करना हो अगर आपको, तो एक ऐसा स्क्वायर पेपर लेंगे उसी के साइज़ का, और इसको ऐसे लॉक कर देंगे। यहाँ पे हम सामने अपना फोटो लगा सकते हैं, या किसी को जो हम कार्ड दे रहे हैं उनका, या यहाँ पे कोई भी मैसेज हम पेस्ट कर सकते हैं, स्टिकर या मैसेज लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया फोटो और मैसेज है यार। अब ये ट्रायंगल को पेस्ट करते हैं। तो ट्रायंगल को पहले सेट कर लेते हैं, ट्रायंगल सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद इनको पेस्ट कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो ये चारों ट्रायंगल सेम कर सकते हैं। ट्रायंगल की जगह आप हार्ट पेस्ट कर सकते हैं, और चाहें आप तो ट्रायंगल के ऊपर क्या कहते हैं सब जगह हार्ट, वो डेकोरेशन आपके अकॉर्डिंग होगी। जब होता है ऐसे कि हम कोई भी कार्ड बनाते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी खुद ब खुद आती है कि हमें अच्छा यहाँ पे पेस्ट करना है, ऐसे करना है। तो आप बिना सोचे बस इस वीडियो से आप बनाइए और डेकोरेट करिए खुद, आप देखेंगे कि बहुत अच्छा डेकोरेट होगा। और डेकोरेशन के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये मैंने पेस्ट करती जा रही हूँ। दो पेस्ट हो गए, ये तीसरा वाला ट्रायंगल एंड ये फोर्थ पेस्ट करेंगे। और मैंने क्या किया था, इन्हीं के ऊपर हार्ट्स कर दिया था, इसीलिए क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी कि मैं कैसा डेकोरेशन करूँ, क्योंकि उस समय ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता हम क्या डेकोरेशन कर रहे हैं। ये वाला थोड़ा सा टेढ़ा हुआ था, तो इसको घर मैंने निकाल करके फिर इसको प्रॉपर सही से किया। एंड अब रेडी हो गया, लेकिन फिर भी हार्ट और पेस्ट कर दे, ना भी पेस्ट करें तो भी अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने हार्ट पेस्ट किया, ये पहला।
और फिर दूसरा और तीसरा और ऐसे ही चौथा सेम सेम, लेकिन मैंने पहला वाला हार्ट थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया था, फिर इसको सही किया। एंड ये और हमारा ये लास्ट हार्ट एक और ये बस डन हो गया। तो कैसा लगा आप सभी को ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स और फैमिली और सभी ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैंने सही से आप लोगों को सिखाया कि नहीं सिखाया। थैंक यू सो मच। और ये जो मैं कर रही हूँ एक्स्ट्रा फोटो और मैसेज, इसके अंदर हम डाल सकते हैं, ये मैं बताना भूल गई थी तो मैंने बाद में कर दिया। हम इसकी जगह ये ऐसा है, इसमें इतना स्पेस है कि आप चार पांच मैसेजेस या चार से पांच फोटो कुछ भी रख सकते हैं। और ये जो अंदर ट्रायंगल दिख रहे हैं आप इनको भी अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे ये मैं इसमें शो कर रही हूँ क्योंकि मुझे नीड नहीं थी तो मैंने नहीं किया। अगर आप लोगों को चाहिए तो ट्रायंगल कटआउट या हार्ट कटआउट कुछ भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। और ये हमारा डन हो गया। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों को पसंद आएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे।